आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बैगी स्वेटर लेकर आई हूँ, जो कि बच्चे के बैगी स्वेटर है और सेंटर में मैंने पॉकेट बनानी है। ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले आपको मैं बॉर्डर बनाना सिखाती हूँ। ये वाइट कलर की मैंने बनाई है, नीचे मैंने मून कलर लगाया है। चलो आपको मैं ये फंदे डालना सिखाती हूँ। ये मैंने आप प्लेन फंदे भी डाल सकते हो और डिज़ाइनर फंदे भी डाल सकते हो। मैंने डिज़ाइनर डाले हैं, ऐसे चोरा धागा कर लेना अपने। मैं ऐसे डाल के एक फंदा ऐसे डाल लिया, फिर इसको ऐसे अंगूठे में चढ़ा के सिंपल ऐसे दूसरी तरफ से इसको ऐसे, वो सिंपल है। पहले ऐसे यहाँ लगाना, फिर इससे ऐसे इधर, एक बार फिर दिखाती हूँ आपको। इधर को ऐसे करके ऐसे यहाँ से पेरी ऐसे यहाँ से पहले इधर फिर यहाँ से बिल्कुल सरल है। पहले इधर से ऐसे करके इसे ऐसे चेक कर लेना, फिर इधर से ऐसे पहले इधर से ऐसे करके इसे ऐसे सिंपल, फिर ऐसे ही यहाँ से पहले इधर जी मैंने बना कर रखा हुआ। ये देखो दोनों तरफ से, फिर मैंने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई डाल ली है। सीधी तरफ से भी उल्टी, उल्टी तरफ से भी उल्टी मैंने डाल दी। अब क्या करना, 11 फंदों का डिज़ाइन है ये बॉर्डर जो बनता ना, ये वाला कटां सा, ये 11 फंदों का है। अब क्या करना, पहला फंदा उतार लिया, एक दो दो बुन लिए, फिर एक बुन लिया, बुन के हमने इधर को कर लेना, इस टाइम में डाल लिया, फिर इसके ऊपर हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदे उतार दिए। धागे को ऐसे खींच लेना, फिर एक एक, फिर
एक और दो, दो वल चढ़ा के इस फंदे को भी बुन जाना। तीन फंदे हो गए ना, आठ फंदे हमने कटाए और तीन बन गए हमारे। फिर दो फंदे सिंपल बुन लेने, एक और दो। तीसरा फंदा फिर हमने बुन के इस सिलाई में कर लेना, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, धागे को हमने ऐसे खींच लेना, फिर एक और दो, फिर इस फंदे को भी बुन लेना, फिर दो फंदे सिंपल, एक दो। तीसरा फंदा फिर बुन के इस सिलाई में कर लिया, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, धागे को खींच लिया, एक और दो। इस फंदे को भी हमने बुन लिया। लास्ट में हमारे तीन फंदे आ गए। ये 11 फंदों का डिज़ाइन है, उल्टी सिलाई। जो तीन फंदे हमारे थे वैसे बुन लिए। ये फंदा जो ना, इसके दो फंदे बनाने, एक इधर से एक उल्टी तरफ से। दो फंदे बन गए, फिर इसे भी बुन लिया। इस फंदे के हमने 6 फंदे बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच और छः, ये हमारे 8 फंदे वापस हो गए। ये 3 फंदे वो थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 फंदे वापस हमारे हो गए। और फिर हमने ये दो फंदे सिंपल बुन लिए, ये तीसरे फंदा जो से इसका एक एक पीछे से, इसके हमने 6 फंदे बनाने, एक दो तीन चार पाँच और छ। फिर एक दो, इस फंदे के फिर हमने दो फंदे बनाने, एक पीछे से फंदा जो बुन लिया, एक दो तीन चार पाँच छः और 6 फंदे।
ये हमारे तीन फंदे वैसे। ये देखो आप चाहो तो इसका बॉर्डर नीचे बना लो, इसके ऊपर सीधा उल्टा भी डाल सकते हो, आप चाहो तो ऊपर ऊपर जैसे जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। मैंने इसके ऊपर वाइट कलर लगा लिया और मैंने सीधा उल्टा बॉर्डर बुना। ये पूरी सीधी सिलाई जाएगी क्योंकि हमने फंदे बढ़ाए ना, तिरम प्लेन हो जाए। इसके ऊपर मैंने सीधा एक सीधा एक उल्टा, ये देखो एक सीधा एक उल्टा मैंने बॉर्डर बुना है। मैंने 8 सिलाइयाँ जिस बॉर्डर की बुनी है उसके मैंने सीधा और उल्टी सिलाई डाली है, 4 सिलाइयाँ मैंने डाली है। अब हम सेंटर में पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट कैसे बनाएंगे ये देखो, इधर मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदे मैंने रख दिए, सोलह इधर सेंटर में हमने बुनने हैं। सिंपल मैंने ये देखो जी मैंने 16 फंदे इधर कर लिए और 16 फंदे हमने इधर, 16 फंदे इधर करके 16 इधर करके बीच में बच गए 40 फंदे। 40 फंदे हमने सीधे उल्टे बुनने हैं, 40 फंदे कुछ नहीं करना, सिंपल सीधे उल्टे पहले बुनने हैं। ये पॉकेट बना रहे हैं हम, बीस सिलाइयाँ डाल के फिर आगे आपको बताती हूँ। सिंपल 20 सिलाइयाँ डाल लो सीधी उल्टी की, फिर आगे बताती हूँ आपको। 2 इंच का मैंने ये बनाया है इतना, 2 इंच बनाकर अब क्या करना है देखो, अब थोड़ा सा इधर मैंने बॉर्डर बनाना है, 2, 3 और 4 चार फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब हम जहाँ से 2 का 1 करना है, 2 का 1 कर दिया। अब हर सिलाई में इधर से भी 2 का 1 करने जाना, उधर से उधर भी 2 का 1 करते जाना, एंड में भी। स्वेटर बनाने से पहले पूरी वीडियो देख लेना एंड तक, उसके बाद आप शुरू करना, क्योंकि कई बार ना बीच में कुछ एंड में जाके कुछ बता देते हैं हम लोग। देखो ये फंदा हमने एक ऐसे करके ऐसे कर दिया और 2 का 1
उल्टी सिलाई में चार फंदे हमने सीधे बुनने, दो तीन और चार, बाकी उल्टे, उधर भी चार फंदे इधर भी चार फंदे। बीच में हम एक फ्लावर बनाएंगे, जहां भी चार फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, एक दो तीन और चार। एक दो तीन चार, और हमने फिर जहाँ दो का एक चेन सी बननी जाने रहेगी। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह फंदे छोड़ के हमने एक फ्लावर बनाएंगे, एक दो तीन, जताका पीछे पीछे से ऐसे कर लेंगे कि हम गड़बड़ ना हो, चार पांच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, इधर ही पंद्रह हो गए, सात फंदे हमने बीच बुन लिए। फंदा हमने इसको ऐसे करके ऐसे कर देना, दो का एक, दो का एक इधर इधर भी कर देना। पहले चार फंदे सीधे,
ये फंदे मैंने उल्टे बुन जाने। फिर फंदा हमने दो का एक आगे हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे डाले थे ना, अब हमने यहाँ कलर और लगाना। अब पांच फंदे डालेंगे। हम फ्लावर बनाना ना यहाँ, पीछे से ऐसे करने से सफाई आ जाती है। फिर दो का एक, उल्टी सिलाई में फिर चार सीधे, बाकी सारे उल्टे जाएंगे। अच्छा, हमने तीन सीधे कर देने। अब एक दो और तीन, बाकी उल्टे और लास्ट में चार फंदे सीधे। चार सीधे फिर दो का एक, फिर सीधे
ये तीन फंदे भी सीधे। ये फ्लावर आप किसी स्वेटर पे भी डाल सकते हो। जहाँ एक कर देना हमने, छोटा सा फ्लावर बना दिया। अब आप दोनों तरफ से ऐसे फंदे एक इधर से भी इधर से भी कम कटाते जाना और थोड़ा सा आगे बुनो, फिर आगे आप बताती हूँ आपको। ये देखो ऐसे बनेगी। अभी हम फंदे और कटाएंगे, जैसे कटाते जाते हैं। ये देखो यहाँ भी दो का एक, जहाँ भी चेन आनी चाहिए। इसके लिए दोनों फंदों से पहले ये वाला फंदा इधर करके, ये वाला इधर, फिर दो का एक, एक बार फिर बता देती हूँ। पहले वाला फंदा जो है ना, ऐसे है ना, पहले वाला फंदा पीछे वाला उतार के आगे आगे, ये वाला फंदा इसके आगे, फिर दो का एक। देखो दोनों तरफ चेन आनी चाहिए। पीछे वाला फंदा जो है ना वो आगे कर लेना, आगे वाला पीछे कर देना। एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ, उल्टी सिलाई तो जैसे आप डालते ही है। ये दो का एक,
दो फंदे आ गए ना, ये देखो पीछे वाला नु पहले आके ला लेना, इसे इधर डाल लेना। ये फंदा ना पहले ऐसे उतार लिया, दूसरा भी उतार लिया, पीछे वाले को पहले डाल लेना, जो पीछे वाला उनको आगे ले आना ऐसे, फिर दो का एक करना। देखो चेन सी आ रही ना, इधर भी आ रही और इधर भी आ रही, चार फंदे फिर हमारे सीधे ही जाएंगे वो तो। उल्टी सिलाई में जैसे सीधे वो सीधे चार फंदे, बाकी उल्टे। अब हमने चार सिलाइयां हमने सीधी सीधी ऐसे बना लेनी, एक दो तीन बट्टे हम यहाँ भी बनाएंगे। अब कटाई नहीं करनी हमने, अब बिल्कुल हम सीधी सीधी सिलाइयां चढ़ाएंगे, कटाई बिल्कुल बंद, सीधी सीधी सिलाइयां। कितने हमारे फंदे रह गए, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस, बीस फंदे हमारे रह गए, बीस हमने बंद कर दिए। अब हम इसके ऊपर दो सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाएंगे, चार सिलाइयाँ बट्टा पाएंगे, वो चार सिलाइयाँ सीधी सीधी चढ़ा के आपको मैं दिखाती हूँ। फिर ये हमारी पॉकेट बन गई, ये मैंने छः सिलाइयाँ डाल ली, एक दो तीन, तीन से सीधी सीधी सिलाइयाँ जाड़ के छः सिलाइयाँ हो गई जी। अब हमने इसको धागे को यहाँ से कट कर देंगे, अब हमने जहाँ से फंदे उठाने हैं 40 फंदे हमने जहाँ से उठाने हैं ये वाले, दो तीन चार पांच छः सात, 40 फंदे हमने उठाने हैं, 40 हमने ऊपर रखे थे ना जेब के लिए, इतने 40 फंदे यहाँ से हमने उठाने हैं, ऐसे आ जाएगी। पूरे 40 फंदे आप ऐसे करके उठा लो, ये मैंने देखो 40 फंदे मैंने उठा लिए। अब ये वाले भी साथ हम बुन लेंगे,
अब जितने हमारी ये पॉकेट है ना, इतना हमने ये सीधा 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 उल्टा बुन के यहाँ तक पहुँचाना है। सीधा उल्टा ही बुनना, फंदे तो हमने उठा लिए, अब सीधा उल्टा बुन के हमने यहाँ तक ले कर जाना। इतना बुन लो, फिर आगे बताती हूँ क्या करना। इतना पहले बुन लो, इतना इतना बुन के हमने यहाँ से फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ से इतना बुन लो जितने तक हमारा ये आ रहा है ना, अब जेब की हमने कटाई डाल ली है, वहाँ तक बुन लो, फिर आगे आपको बताती हूँ मैं। ये देखो इतना मैंने बना लिया। अब हमने क्या करना, इस हेडों में ना इधर से भी और इधर से भी हर सिलाई एक एक फंदा बढ़ाना है। एक पीछे से एक के दो कर देने, हर सिलाई में एक एक फंदा हमने दोनों तरफ से बढ़ाना है, क्योंकि हमने बाजू साफ बना रहे हैं ना। हर सिलाई हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। पूरी सिलाई करके साइड में लास्ट में एक फंदा फिर उधर भी बढ़ाना। लास्ट में हम फिर आगे एक फंदा छोड़ के पहले आगे से और फिर एक फंदा पीछे से हर सिलाई में हमने बढ़ाना। और सीधी सिलाई में इसकी हम इसलिए बनाना है क्योंकि इसकी ऐसे जाएगी शेप, तो बाजू बनानी साथ में। अब हमें अब ये और बुनाएंगे, फिर जेब भी साथ अटैच करनी है हमने। यहाँ से हम सिलाई करेंगे इतनी, इसके साथ जोड़ देंगे, बाकी ये फंदे हम आगे इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। हर सिलाई एक एक फंदा बढ़ाते जाओ और इतना बुन लो, फिर आगे हम ये जोड़ना सिखाती हूँ आपको मैं। इतना बुन के फिर जोड़ना सिखाती हूँ। हर सिलाई में एक एक फंदा जरूर बढ़ाना क्योंकि हमने बाजू बनानी है साथ में। ये देखो मेरा पूरी पॉकेट जितना बन गया, जहाँ से हम सिलाई करेंगे। अब फंदे भी इसके साथ लगा लेंगे। मेरे इधर दोनों तरफ से मैंने, क्योंकि हमने फंदे साथ साथ बढ़ाए थे ना, ये देखो शेप आ रही है, बाजू की शेप भी आने लग पड़ी। इतना बुन के ये शेप बननी शुरू हो गई, ये बाजू बननी जाएगी साथ में ऐसे ऐसे। अब मेरे इधर फंदे 38 फंदे हमने इधर रख लिए, 38 फंदे इधर रख लिए, बीच में हमारे 20 फंदे हैं। ये हम इसके यहाँ से हम इसको पॉकेट को इसके साथ जोड़ देंगे। ये देखो जी, ये देखो यहाँ से सेंटर में जोड़ने हैं। दोनों तरफ से एक जैसे फंदे रखने हैं जितने आपके बनते हैं। ये सारे फंदे पकड़ के हम यहाँ पर एक के साथ बंद कर देंगे।
ये धागा साथ साथ इसलिए चला रही हूँ क्योंकि ये हमने पॉकेट का तोड़ा था ना कि फंदे निकल ना जाएं, इसको साथ साथ ऐसे ये पॉकेट हमारी बन गई। अब हम यहाँ से थोड़ी स्टिचिंग कर देंगे तो बच्चे के हाथ डालने के लिए ये इतनी तैयार हो गई। अब हमने बस दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते जाना है, दोनों तरफ से आ गया ना, एक आगे से करना एक पीछे से। दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते जाना, दोनों तरफ से। ये देखो ये मैंने पूरा कर लिया यहां तक, ये मैंने बीच में डिजाइन डाला है। ये देखो ये आपको मैं बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाएं। सिंपल मैंने फंदे डाले और सीधा उल्टा डाल लिया। अब क्या करना, ये देखो ये यहाँ से ना, ये देखो यहाँ से फंदा हमने ऐसे बुनना और ये पीछे से हमने उतारना। फिर ये जो ये जो है ना ये वाला, यहाँ से और पीछे से ऐसे उतार लेना जहाँ से, पीछे से ऐसे उतार लो ये वाला। पीछे से उतारना, आगे से नहीं उतारना, यहां से जो यहाँ नजर आ रहा ना ये वाला, बीच से निकाल के पीछे से इसको ऐसे उतार लेना। यहां से पीछे से ऐसे उतार लेना। बीच से निकालना, पीछे से ऐसे उतार लेना, आगे से नहीं उतारना। ये जो नजर आ रहा ना ये वाला, ऐसे पीछे से
लास्ट में सिंपल हमने वैसे एक बुन लेना फंदा। उल्टी सिलाई हमने ये फंदा तो हमने वैसे बुना था, ये छोड़ देते। यहाँ हमने दो फंदों का एक करना, उधर से हमारा फंदा बढ़ गया था, अब हमने पूरे फंदे कर लेने। दो का एक, उल्टी सिलाई में दो के एक करते जाना। जी सिंपल जी देखो, अब हमने क्या करना, फिर यहां से इसको फिर उतार लो, फिर यहां से उतारना, पीछे से है, आगे से नहीं, बिल्कुल उतारना। आगे से उतारोगे तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। लास्ट में उल्टी सिलाई में एक फंदा था हम वैसे ही, फिर दो का एक, देखो
अब हमने येलो धागा लगा लेना। फिर यहीं सेंटर से ये पीछे से उतारिए ना, सेम एक सिलाई का ही डिज़ाइन है, एक सिलाई में डिज़ाइन डालना, दूसरी सिलाई में दो का एक कर देना, बिल्कुल सिंपल और सरल है। सीधी सिलाई में यहाँ से उठाकर फंदा हमने बढ़ाना है, उल्टी सिलाई में दो का एक करके फंदे हमने बराबर कर लेने हैं। बिल्कुल सरल है, यहाँ से उठाना है और पीछे से उतारना, आगे से नहीं उतारना, बस ये ध्यान रखना। एक सिलाई का डिज़ाइन है, उल्टी सिलाई तो दो का एक करते जाना, सीधी सिलाई में बढ़ जाने या उल्टी सिलाई में हमारे घट जाने हैं। दो का एक करते जाना, मुश्किल नहीं है, बस ये बनके हमारा तैयार हो गया ये डिज़ाइन। अब हमने क्या करना, ये हमारे फंदे 60 फंदे हमने इधर रखने, 60 फंदे हमने इधर रखने, और बीच मैंने 40 फंदे मैंने बंद कर देने हैं गले के लिए। मतलब ये कुल फंदे हमारे हो गए 60 और 60, 120 और 40, 20, 160 फंदे, 160 फंदे हो गए हमारे। ये हमने बीच में, ये मैंने 60 फंदे बुन लिए, अब बीच में मैंने दो का एक करते दूसरा वो गला गले के लिए मैंने वहाँ कटाई डालनी है। सिंपल, बीस फंदे 40 फंदे मैंने बंद करके बाकी फंदे फिर मैंने उधर दूसरी बाजू के रख लेने ऐसे। ये मैंने 60 फंदे रख लिए, 40 मैंने बीच में बंद करके 60 फंदे इधर रख लेने, कुछ इस तरह आ जाएगा। पीछे वाला पासा मैंने बुनाया, ये देखो ऐसे आएगा। इस तरह आएगा,
ये मैंने बंद कर दिए, ये मैंने 30 फंदे रख लिए। हम दोनों बाजू ऐसे जोड़ के ना फिर बंद करेंगे। ये रख लिए मैंने, फिर बाजू जोड़ के हम बाजू के आगे ये वाला बॉर्डर बुन के लगाएंगे ऐसे। एक सीधा एक उल्टा मैंने बुना है, थल्ले नीचे वही डिज़ाइन डाल के एक सीधा एक उल्टा मैंने बॉर्डर बुना है। पहले हम इतना इसको बंद करके इसकी कटाई कटिंग करके फिर इसको हम बंद करेंगे। ऐसे कटिंग करके फिर हम इसको इसकी दोनों दोनों तरफ से स्टिचिंग करेंगे। इतना बंद कर लो, फिर आपको मैं आगे बताती हूँ। कुछ इस तरह ये बन जाएगा। जो हमने साइड में एक एक फंदा हम बढ़ाते जाते हैं ना, आगे जाके हमने छह सिलाइयाँ हमने बिल्कुल बिना बधाए बुननी है। बिना बधाए हुए ना कुंडा बढ़ाना नहीं, वह सिंपल सादियाँ बुननियाँ। छः सिलाइयाँ, छः बुन लो, आठ बुन लो, आठ भी ठीक रहेगी। उसके बाद हमने जब गला कटाने के बाद हमने ये देखो गला कटाने के बाद गला हमने कटा दिया। इसके बाद हमने आठ सिलाइयाँ और डालनी है सिंपल। दोनों मतलब कि बाजू की हमने वक्रे वक्रे बुनने हैं। ये देखो इसकी बाजू साथ में बन रही है ना, ये देखो ये बाजू साथ में जा रही है ना। जहाँ जहाँ तक हमने बढ़ाए हैं आगे जाके हमने इतने फंदे आठ सिलाइयाँ हमने सिंपल बुन ली। उसके बाद फिर हमने गला दी कटिंग कर दी। गले कटिंग करने के बाद कल्ली बाजू बाजू की हमने आठ सिलाइयाँ ये मैंने ऐसे डाल ली। ये देखो आठ सिलाइयाँ डाल के ऐसे आ जाएगा, ऐसे शेप बन जाएगी। फिर इधर मैंने डालनी है, इधर डाल ली। ये देखो ऐसे फिर हमने फंदे यहाँ से उठाकर गला बनाया। गला बनेगा इधर चौड़ाई में बनेगा गला, जे वाला नाव गला क्या तो कहते हैं, नाव गला बनेगा। जे बाजू आ गएगी, इसके आगे हम बॉर्डर लगा देंगे। जहाँ फंदे उठा के बॉर्डर भी बुन सकते हैं और बुन के भी हम लगा सकते हैं। जे मैंने 180 फंदे मैंने डाले, 180 फंदे या 60 फंदे इधर इस बाजू के, 60 फंदे इस बाजू के, बीच 20 फंदे मैंने 20 में कटिंग की है इसकी, 20 फंदों की, 40 फंदों की सॉरी, 40 फंदों की कटिंग की है और 60-60 फंदे इधर दोनों तरफ रखे हैं। अब हम इधर बुन के फिर आगे आपको मैं सिलाई करनी सिखा के उसके बाद बॉर्डर लगाएंगे आगे। ये भी आप पूरा बुन लो, बस याद रखे जो अब हम कटिंग अजय हमने फंदा बढ़ा रहे हैं ना, उसके बाद आठ सिलाइयाँ और डालनी है, क्योंकि फिर बॉर्डर लगाना ना मुझे ये तिखा जा जाएगा, चुंजी आ जाएगी। आठ सिलाइयाँ ये आप डाल लो, फिर इधर डाल लो, फिर ऐसे चौड़ा बन जाएगा। ये देखो ऐसे चौड़ा बन जाएगा। फिर हम बॉर्डर आगे लगाना है, गले के फंदे उठाएंगे। होपफुली आपको समझ लगा होगा। इतना आप बुन लो, फिर आगे आपको मैं बताती हूँ। ये देखो ये तैयार हो गया। अब हम गले के फंदे उठाएंगे और आपको सिलाई करनी। एक पासा मैंने सिलाई कर दिया, देखो ये ऐसे, ये बाजू ऐसे बाजू के आगे मैंने बॉर्डर लगा के ये मैंने स्टिचिंग करके ऐसे स्टिचिंग की। देखो ये नज़र नहीं आ रही कहाँ से सिलाई की है ऐसे। चलो आपको दिखाती हूँ कैसे। वैसे तो आप दोनों तरफ बंद करके सिंपल भी स्टिचिंग कर सकते हो, पर मैंने ऐसी बंद की, ऐसी स्टिचिंग की है। ये देखो पहले फंदा ऐसे,
जहाँ से मैंने दूसरी तरफ से दो फंदे उठाए, जो फंदा हमने पहले यहाँ से किया था इसको फिर वापस इसी में इसको ऐसे यहाँ से जो फंदा यहाँ से गिराया था ये देखो ये उठाकर एक इसको साथ ले जाना ये दो फंदे हो गए नीचे से उठाना जो पहले हमने गिराया और दूसरा साथ में एक और ले लेना दोनों को इधर से ऐसे इससे इधर से उल्टा आ जाएगा ये देखो ये वाला फंदा हमने गिराया था इसे उठाया फिर ऐसे ले लिया इधर से उल्टे आएंगे इधर से सीधे आएंगे ये देखो ये फंदा मैंने उठाया ये देखो और साथ में ये फंदा लिया दो फंदे हो गए इधर से जो हमने पहले गिराया था नीचे ये वाला ये लिया साथ में ये ले लिया दो हो गए फिर इसको भी ऐसे ही गिरा देना एक तरफ उधर से लेना एक तरफ इधर से लेना ये देखो ये वाला लिया साथ में ये यहाँ से जो आपको ना समझ लगे तो मेरे को कमेंट करना मैं आपको इसकी वक्री वीडियो बनाकर स्टिचिंग की वक्री वीडियो बना देंगे है तो बिल्कुल सरल हाँ देखो जो फंदा हमने गिराया था ना ये वाला एक उसके साथ और ले लेना यहाँ से भी ऐसे इधर को ऐसे लेना है दोनों दूसरी तरफ से अंदर को लेने ये देखो ऐसे आ गया बिल्कुल नजर नहीं आएगा कहाँ से स्टिचिंग की है ये देखो कितना साफ आया यहाँ से लेना ये वाला फंदा हमने गिराया था ये वाला और साथ में ये वाला
इधर से ये वाला और ये, इधर से ये और ये, ऐसा पूरी हम स्टिचिंग कर लेना। जो आपको ना समझ आएगा मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपको इसकी वक्री वीडियो बना दूंगी जो बिल्कुल आराम से दिखा दूंगी। होपफुली आपको समझ तो आ गया होगा। मैंने पूरा ऐसे जहाँ से स्टिच किया था यहाँ से ये वाला बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, देखो ऐसे कर लेना। जहाँ से जेब की भी स्टिचिंग कर लेना, इधर से भी इधर से भी ये वाला पासा भी सीन लेना पूरा। और आगे हमने बॉर्डर लगाया, ये देखो जो बाजू के आगे मैंने बॉर्डर लगा दिया। आप भी ऐसे स्टिचिंग ये करके पहले बॉर्डर लगा के यहाँ, फिर आपने ये पूरी स्टिचिंग कर लेनी। और गले के फंदे हमने उठाने हैं यहाँ से, जहाँ से हम गले के फंदे उठाएंगे नौ गला हमारा, 80 फंदे आराम से हम उठा लेंगे। ऐसे पूरे फंदे उठा के हम छोटा सा बॉर्डर बना लेंगे। आप चाहो तो हाई नेक गला ही बना सकते हैं इसका, आप चाहो गोल गला ही बना सकते हो, वी गला ही बना सकते हो, आप उसकी उसी तरह की शेप आप डाल सकते हो। जो आपने वी गला बनाना तो आप पहले से कटिंग कर लो इसकी, गोल गला बनाना तो, और मैंने नाव गला बनाया है। आप हाई नेक गला बनाना चाहो तो अजय जो हमने यहाँ से बनाई की है ना, ये छोड़कर हमने बिल्कुल साथ साथ ही गला बना लेंगे। ये देखो बन के तैयार हो गई। ये मैंने गले के ऊपर दो सिलाइयाँ इस कलर की भी डाल दी। ये देखो ये बाजू के आगे मैंने बॉर्डर लगा दिया दोनों तरफ। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।